हेलो एंड वेलकम, स्वागत है क्रिएटिव कैनवस पे। तो आज हम इंटीग्रेट करेंगे एड मॉव को यूनिटी से, एंड इसमें हम बेसिक एड सेटअप्स करेंगे एंड साथ ही साथ जो भी ग्रैडल के जो एरर आते हैं वो भी चेकआउट करेंगे कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे अपन। मेक श्योर आपके पास यूनिटी 2022.3.18f1 का LTS वर्जन हो। तो बेसिकली फंडा ये होता है कि यूनिटी का जो लेटेस्ट LTS वर्जन होता है वो एड मॉव के प्लगइन के साथ काफ़ी कंपैटिबल होता है। मेक श्योर कि ये चीज़ हो। ठीक है, तो अब अपन प्रोजेक्ट बना लेते हैं 3D, और प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे एड्स टेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक सेलेक्ट कर लो। ये चीज़ यूनिटी हब में नहीं आई है तो ऑब्वियसली जो भी है देखते हैं। तो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, अपन सबसे पहले जाके इसको एंड्रॉयड में कर लेते हैं। राइट, स्विच प्लेटफॉर्म, ओपन सीन को ऐड करेंगे एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे। तो अपन सबसे पहले जाएंगे अदर सेटिंग्स में, प्लेयर के अदर सेटिंग्स में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा मोनो का। तो मोनो को ILDCP भी कर लेंगे, डाटा स्टैंडर्ड 2 को डाटा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर लेंगे, और यहाँ पे X64 को टिक कर लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे इनवैलिड कैरेक्टर्स का बोल रहा है तो यहाँ पे हटा सकते हो। डिफॉल्ट पैकेज नेम इसको टिक कर देना, कुछ भी नाम दे देना, इसके बारे में वार्निंग आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। इसमें ये API 34 को सेलेक्ट करके रखना कि अगर तुम्हारे पास इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेगा तुम्हारे लिए। राइट, प्ले स्टोर में बिल्डिंग बिल्ड करने के टाइम पे काम आता है। पब्लिशिंग सेटिंग्स में तुम्हारे पास अगर प्रोजेक्ट का की स्टोर है तो वो डाल देना, एंड ये सारे जितने दिख रहे हैं ना बिल्ड वाले, इसको सारे चेक कर दो। पता नहीं कौन सा काम आ जाए, बट मेक श्योर दीज ऑल आर टिक्ड। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अपन एक्सटर्नली भी कुछ चीज़ें चेकअप कर लेते हैं। एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, एंड JDK का पाथ जो है वो सेट कर लेंगे अपन। कभी कभी इसके कारण भी एरर आती है तो कॉपी पाथ करेंगे, एंड विंडोज़ की प्रेस किया, env लिखा तो एनवायरमेंट वेरिएबल आ गया, तो इस पर करेंगे क्लिक। नॉन वेरिएबल्स ऑल मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है, तो आप यहाँ पे जावा होम ऑल कैप्स, और इसको यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उससे बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और ओके करना, तो यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। राइट, सिंस मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो मुझे नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल्स में एक जावा होम को क्रिएट कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब अपन एक क्लीन बिल्ड बना के देख लेते हैं, पर उससे पहले अपन UI में कुछ डाल लेते हैं ताकि खाली खाली ना लगे। ये सारे हो गए, अब अपन एक क्लीन बिल्ड कर लेते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है वैसे। ठीक है, चेक करने के लिए कि सही से हो रहा है कि नहीं। तो बिल्ड हो गया है एंड ये देख सकते हो बैनर और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने कुछ इंटीग्रेट नहीं किया है तो इसमें कुछ आ नहीं रहा है, बट जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो हो गया कि हमारे पास क्लीन बिल्ड बन गई। राइट, अब अपन 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 अब करेंगे अपन पैकेज डाउनलोड एडमॉब का। और अगर आपने ऑलरेडी पैकेज डाउनलोड नहीं किया है तो सर्च कर लेते हैं गूगल पे एडमॉब यूनिटी प्लगइन। उस पर क्लिक करते ही गेट स्टार्टेड यूनिटी वाला जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको डाउनलोड द प्लगइन मिल जाएगा, एंड इस पर देखना है कि 8.7.0 वाला जो सबसे लेटेस्ट है, आई गेस ये 2 वीक पहले ही अपडेट हुआ था, तो इसको कर लेंगे अपन डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं जस्ट इसको करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये खीशा और ये आ गया इधर। राइट, ठीक है, विदाउट एनीथिंग हम जस्ट पैकेज को इंपोर्ट करके क्लीन बिल्ड करेंगे। अगर सही होता है
तो फिर अपन प्रोसीड करेंगे एड्स इंटीग्रेट करने के साथ। ठीक है, इसको इनेबल कर लो, फिर ये नेसेसरी चेक्स करेगा। ठीक। तो अब एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मैनेजर में जाके एनल रिजॉल्वर में रिजॉल्व कर लो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, कूल। अब दूसरी चीज़ क्या, एसेट्स में जाके गूगल मोबाइल एड्स में सेटिंग्स पे क्लिक करना और यहाँ पे अपनी एंड्रॉयड की ऐप आईडी डाल देना। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो अपन को अपने गूगल एड मॉप में जाके एक न्यू एड क्रिएट कर लो, एक न्यू ऐप क्रिएट कर लो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो गूगल एड मॉप में जाके अपने लिए एक न्यू ऐप क्रिएट कर लो और 3 एड यूनिट्स बना लिए। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो उसके बाद अपने ऐप सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे ऐप आईडी कॉपी कर लो, राइट। अब पेस्ट करो ताकि बिल्ड बनाने टाइम कोई एरर ना आए। ठीक है, अगर एरर नहीं आई तो अपन प्रोसीड करेंगे एड इंटीग्रेशन के साथ। अच्छा, चेक करते हैं। पैकेज के साथ बिल्ड बन गई है और ये क्लीन बिल्ड है, पैकेज के साथ कोई दिक्कत नहीं। तो अपन अब प्रोसीड कर सकते हैं एड्स इंटीग्रेट के साथ, राइट। चलो, तो अब अपने को चाहिए एक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अपन जाएंगे यूट्यूब पे, तो अपन ये स्क्रिप्ट करेंगे कॉपी। हिपरी हॉपरी, योर कोड इज नाउ माय प्रॉपर्टी। कॉपी रॉ फाइल, कॉपी हो गया। उसका नाम क्या है, एड मॉब एड स्क्रिप्ट। तो अपन एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, सी शार्प स्क्रिप्ट। एड्स नाम दे दिया इसको, क्लिक करके ओपन कर लिया। ठीक है, और कोड जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। सिंस हमारे पास नेटिव ऐड का प्लगइन नहीं है तो इस कोड में जितने भी नेटिव एड्स वाले हैं उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं एड्स। और यहाँ पर अपनी ऐप आईडी जो अपनी कॉपी की थी ये वाली, इसका पे कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल जी। ठीक है, अपनी एड यूनिट्स एड यूनिट आईडी भी कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। नेटिव ऐड की ज़रूरत नहीं है बट इसको बाद में यूज़ करेंगे, इसलिए फ़िलहाल इसको कर देते हैं थोड़ा सा बैन। ठीक है, और स्टार्ट में अपन कर लेंगे सारे एड्स को इनिशियलाइज। लोड इंटरस्टिशियल एड, ठीक है, कर लिया लोड इसको। लोड रिवॉर्डेड ऐड, तो इंटरस्टिशियल रिवॉर्डेड का लोड कर लिया। ठीक है, तो ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉब्ली पेस्ट पिन का लिंक, पेस्ट पिन या किसी का, तो वहाँ से कॉपी कर लेना कोड। और अब करेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट एड्स के नाम से, और ये वाला स्क्रिप्ट उधर चिपका देंगे। तो अपने पास दो चीज़ें हैं, ऐप आईडी है और टेक्स्ट है एक, तो टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं अपन। अब इसमें कोड तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि तुम्हारे कॉइन्स पिकअप करेगा, तो एक बार वो कोड चेक कर लेना खुद से। तो अपन लगाते हैं इवेंट्स बटन उसमें। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा बैनर का बटन, उस पर तुमने क्लिक किया और ये एड्स वाले गेम का पटका और यहाँ पे एड्स कर लिया। और ये किसका है, ये बैनर शो का है, तो लोड बैनर ऐड। और ये है तुम्हारा दूसरा बैनर ऐड, को हाइड कर दो। तो अपन ऐड्स में जाएंगे, दूसरा बैनर ऐड यहाँ पे कर दिया। अब इंटरस्टिशियल के लिए, इंटरस्टिशियल को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अपन सेम इधर जाएंगे, लोड कर लिया अपन ने पहले ही, तो ऐड्स में जाएंगे, शो इंटरस्टिशियल ऐड कर दिया। अब रिवॉर्डेड ऐड में इवेंट क्लिक किया, एड्स में अपने दिखाया यहाँ पे फंक्शन एड्स शो रिवॉर्ड ऐड की दिख रहा है ये वाला, क्लिक करते हैं। ठीक है, अब एक बार इधर एडिटर में टेस्ट कर लेते हैं, क्लिक किया, रन किया, प्रोजेक्ट हो गया, बैनर ऐड को शो करना, राइट। बैनर ऐड शो हो गया, कूल, हाइड करना, हाइड हो गया, कूल, सिंपल। इंटरस्टिशियल हो गया, दिख गया इंटरस्टिशियल। अब रिवॉर्ड करेंगे, रिवॉर्ड भी दिख गया। तो ये है आपका सेटअप,
एंड प्रोबेबली ये वर्क करेगा आपके डिवाइस में भी, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है तो भी काम करेगा, अगर नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। और देखो मैं 100 रिवॉर्ड भी मिल गए राइट, अगर हमने सही से इंटीग्रेट किया तो इंक्रीमेंट हो जाएगा ये रिवॉर्ड में। ठीक है, अपन फटाफट से बिल्ड बना के चेक कर लेते हैं। तो बिल्ड हो गई है, अपन रिकॉर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। एंड देखो अपने पास कॉइन यहाँ पे 0 है राइट, अपन बैनर शो करेंगे तो बैनर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, अपन लॉक कैट है क्या इसमें? इंटरस्टिशियल भी नहीं दिखेगा। क्यों ये क्यों हो रहा है? क्या गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि इसमें तो दिख रहा था। अच्छा, ये मैंने असल आईडी इसकी डाल दी ना, इसलिए शायद नहीं चल रही है। तो अपन पहले यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपकी रियल आईडी आएगी। आप अपने रियल वाले से तब रिप्लेस कर सकते हो जब आपको फिल आएगा, पर क्योंकि अभी आपका ऐप वेरीफाइड नहीं है इसलिए आपको फिल मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन फटाक से यहाँ पे कर लेते हैं कि ऐड मॉब यूनिटी टेस्ट एप्स, इसको कर देंगे, हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, एनेबलिंग टेस्ट एप्स, तो यहाँ पे सारे सैम्पल एड आईडी यूनिट्स की दी हुई है, आप ऐसे कॉपी कर लो। अब करते हैं बिल्ड, पहले चेक कर लेते हैं यूनिटी में। ठीक है, बैनर शो, बैनर हाइड, इंटरस्टिशियल, रिवॉर्ड, ये तो चलेगा इधर। रिजल्ट 500 हो गया, गुड नंबर। इंटरस्टिशियल फिर से चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो अपन क्लोज करेंगे एंड एक बिल्ड बना लेंगे। बिल बन गया है, रिकॉर्ड अभी चालू है, तो 0 है ये, बैनर शो नहीं दिख रहा है, फिर से कुछ एरर। ओ दिख गया, ये लो, थोड़ा टाइम लगा लोड होने में, बट स्टिल बैनर हाइड, बैनर शो दिख गया राइट। टेस्ट एड्स आ गया, इंटरस्टिशियल, टेकिंग सम टाइम, टेकिंग सम टाइम, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। इसको फिल नहीं मिल रहा होगा, बट देखो टेस्ट एड्स आ गए यहाँ पे, तो इसका भी आ ही जाएगा। चलो रिवॉर्ड देखते हैं, ये दोनों नहीं आ रहे हैं। और मेरा लॉकेट क्यों नहीं चल रहा भाई? लॉकेट के दोनों कुछ है गड़बड़, बट तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे टेस्ट चैट चल रहा है, तो शुड प्रॉब्ली वर्क। शायद फिल नहीं मिल रही है इसीलिए, बट स्टिल अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा भी काम करना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीलाइट करेगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल पे चल जाता ना तो मज़ा आ जाता। आई गेस एक ही बटन में डाला है इसीलिए शायद काम नहीं कर रहा है। तो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं इसको, इंटरस्टिशियल में ये वाला इवेंट हटा के। लोड इंटरस्टिशियल, इसको हटा दिया। रिवॉर्डेड को भी लोड रिवॉर्डेड, इसको हटा दिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी, बिल्ड एंड रन। देखो तुम्हारी बैनर ऐड आ गई ना, देखो आ गया, ये ऐड भी आ गया। टुक सम टाइम बट नहीं, ये ऐड नहीं आया था, कुछ तो आया था। चलो ऐप चालू हो गया वापस से, एंड बैनर को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट विल इवेंचुअली कम अप। बैनर शो आ गया, बैनर इंटरस्टिशियल भी आ गया राइट, एंड रिवॉर्ड This is भी a आ गया। rewarded video test ad. Here comes the reward callback. आई लव यू डूड, देखो देख के बहुत खुशी मिलती है जब रिवॉर्ड चलता है। तो हो गया,
तो इसके साथ आपका बेसिक सेटअप कंप्लीट होता है। आगे फर्दर कुछ सेटअप के लिए चाहिए एडवाइस तो जस्ट फॉलो ऑन, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड कमेंट करो कि आपका काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो अपने एरर के साथ वो कॉल बैक जो भी आ रहा है वो प्रोबेबली मैं गिट की लिंक या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो मैं रेडिट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, तो वो चेक कर लेना एंड वहाँ पे जो भी एरर आ रहा है वो प्रोवाइड कर देना। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड अगर बढ़िया तो बताना कमेंट्स करके कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय बाय।